टीएलसी एक विश्वास है, एक भरोसा है और संस्कार के साथ सिलेक्शन पढ़ाई जो कोचिंग देती है वो सीएलसी और सिर्फ सीएलसी देती है। जय सीएलसी। और ये इसके संस्कार कितने स्ट्रॉन्ग है, इसका सिलेक्शन हो गया और ये सिलेक्शन के बाद एकदम सीएलसी मिलने के लिए आई और वो डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो डायलॉग मैं आपसे भी कहना चाहूंगा बाद में, हम दोनों बाप बेटी की बात हुई, फिर उसने क्लास में कहा कि एक चीज मांगती हूँ बोस आपसे। मैंने कहा बिल्कुल बताओ बेटा कि दुआओं में हमेशा याद रखना मेरे को। तो आप सबसे भी कहता हूं मैं कि आप भी सीएलसी को मेरे को दुआओं में याद रखना, मेरी सीएलसी यानी मेरे बच्चों को सबको। नम्रा टाक को आप माइक पे प्लीज। नम्रा टाक एक मेडिकल, आप डॉक्टर बन चुके हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नम्रा टाक 2015 बैच और एक्स सीएलसीएन, और आज मैं जो भी हूँ उसका पूरा श्रेय मैं मेरे पेरेंट्स स्पेशली बॉस और सीएलसी टीम को देना चाहूँगी। आज से 6 साल पहले जब मेरी पढ़ाई को लेके सब लोग पे इतना बड़ा सवाल उठता था कि लड़की को अकेले पढ़ने भेजोगे, कहाँ भेजोगे, बहुत बहुत कुछ, तो उस वक्त मेरा सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है, मेरे पेरेंट्स का सपना था मुझे डॉक्टर बनाना है, बट मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा असमंजस में थे कि कहाँ भेजे लड़की को, कहाँ भेजे फर्स्ट टाइम, क्योंकि हमारे घरों में जनरली नहीं भेजा जाता है लड़कियों को। तब मेरे पापा के दोस्त थे इंजीनियर मुमताज़ अंकल ने, उन्होंने सीएलसी के बारे में बताया, बॉस के बारे में बताया। उसी वक्त मेरे पापा ने सोच लिया था कि मुझे नम्रा को सीएलसी हॉस्टल में ही भेजना है, और उसके बाद मैंने वहाँ रह के तैयारी की, और मुझे वहाँ रह के कभी मेरे घर वालों की, मतलब मैं ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं शहर से दूर रह के कहीं तैयारी करूँ। बॉस का जो मेरे लिए लाइफ में है, मतलब मेरे पिता समान है, मैं इससे बड़ा तो मैं क्या बोलूँ, मतलब सब कुछ है मेरे लिए, मेरे मेंटर है, मेरे गुरु है, सब कुछ है। और मतलब कि शिक्षा एक मूलभूत अधिकार होता है, सबका होता है, जिसके लिए सीएलसी जैसी कोचिंग टीम, सीएलसी परिवार ने वो जो नील का पत्थर खड़ा किया है ना कि वो सबको दिलाना ही है, वो सीएलसी टीम है। और शिक्षा किसी धर्म जाति लड़का लड़की में भेद नहीं होता है, वो सबका अधिकार होता है, जो कि मुझे मिला सीएलसी टीम की वजह से, बॉस की, स्पेशली बॉस की वजह से। और थैंक यू सो मच बॉस, जो मैं हूँ बस आपकी वजह से। और कोई मैसेज जो बच्चे 2021 के प्लेयर हैं, 21 के प्लेयर जो हैं, सेल्स बॉस ने जैसे जो भी जो शेड्यूल बना रखा है, जैसे डेली टेस्ट सीरीज होती है, डेली एग्जाम होता है, उसका कैलकुलेशन का सॉल्यूशन, स्पेशली आप गलती करते हो बट उसका सॉल्यूशन लेना बहुत ज़रूरी है, और जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं क्वेश्चंस पे जाने के, वो बॉस के फिजिक्स के जो भी वो आते हैं वीडियोस आते हैं सॉल्यूशन, गुरु नीति, स्पेशली गुरु नीति, आपके जो डेली टेस्ट होते हैं उससे पहले उस टॉपिक के गुरु नीति डेफिनेटली आप देखें, वो आपको बहुत हेल्प करेगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें, जो कि सीएलसी यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं, और सीएलसी के जो clcparivar.in है उसको सब्सक्राइब करें, और मतलब उस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो सब आप कंप्लीट, अगर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हो, सारे पेपर्स सॉल्व कर लेते हो, आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी स्किप होगा एग्जाम में, आप डेफिनेटली क्रैक करोगे। काफ़ी दिनों से मुझसे था कि वादा था कि मैं एक दिन आपकी बच्चियों का हौसला करने ज़रूर आऊँगा, और आज उन्होंने अपने इस प्रॉमिस को पूरा किया है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और मुझे सीएलसी से जुड़े हुए 9 साल हो चुके हैं, इन 9 सालों में मतलब हमारे परिवार के काफ़ी लोगों का सिलेक्शन इन्होंने करवाया है, जिनमें मेरी बेटी नम्रा टाक, मेरा भतीजा जो कि SPMC मेडिकल कॉलेज बीकानेर से पासा MBBS कंप्लीट कर चुकी है, अमान प्लास्टर वाला जो कि मेरा भतीजा था जो कूपर मेडिकल कॉलेज से 2nd ईयर कंप्लीट कर चुका है, और मेरी बेटी सुमैया टाक जो इस साल SMS मेडिकल कॉलेज पहुंची है। तो ये जो बच्चियां हैं, लेकिन आज से 9 साल पहले जब इसके पापा की ज़िद थी कि, और उनका सपना था कि किसी न किसी को ये शुरुआत करनी होगी, कि मतलब लोगों ने कहा बेटी को कहाँ भेज रहे हो, अकेले हॉस्टल रहेगी,
कमाया हुआ पैसा बेटी पर लगा दोगे तो शादी कैसे करोगे, इसके मतलब काफ़ी थे। लेकिन इसकी पापा की सोच ऐसी थी कि मुझे मेरी बेटी को कुछ बनाना है, इसे अपने पैरों पे खड़ा करना है, और सीएलसी टीम और बॉस की मेहनत और ये टीम स्पिरिट थी जो आज मेरी बेटी इस मुकाम तक पहुंची है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि और आज मैं और इसके पापा हमेशा लिस्ट देखा करते थे कि इस लिस्ट में मुस्लिम्स बच्चे कितने हैं, लेकिन हमें शुरुआत में काफ़ी कम बच्चे। आज मुझे जब सीएलसी की लिस्ट भी मैं देखती हूँ तो इतने मुस्लिम बच्चे देख के, नाम देख के मुझे इतनी खुशी होती है कि जो मैं जाहिर नहीं कर सकती हूँ। और मैं हमेशा हमारे मोहल्ले के बच्चों को इंस्पायर करती हूँ, कहती हूँ कि आज तू स्कूल क्यों नहीं गया, अपनी पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दो बेटा। तो ये मैं बॉस की बातों से मैं बहुत हद तक सहमत हूँ कि आज भी मुस्लिम समाज में बहुत ज़रूरत है एजुकेशन की, ख़ास तौर के लड़कियों की। और जो शुरुआत, इसी शुरुआत का नतीजा था, हमारी शुरुआत का नतीजा था कि आज आमिर खान की बहन सुमैया टाक, इन्होंने भी एक पहल दिखाई और अपने बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को तो सभी पेरेंट्स भेज देते हैं अरे कमाया हुआ घर ही में आएगा, लेकिन एक लड़की को घर से बाहर भेजना एक बहुत बड़ी अच्छी बात होती है। तो एक ये बॉस की जो फैकल्टी है, मैस है, वार्डन्स है, टीम स्पिरिट है, ये इनकी काबिलियत तारीफ के लायक है, इन जो कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं कोई भी इस चीज़ को, मतलब जाहिर ये बच्चों के लिए एक मेंटर रहे हैं। और आज इसके पापा के जाने के बाद आज भी वो बच्चों को कहते हैं कि बेटा मैं हूँ ना, तो ये शब्द मेरे लिए एक, मतलब मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं और अपनेपन का एहसास। सीएलसी एक विश्वास है, एक भरोसा है, और मैं तो हर गार्जियंस को ये नसीहत करती हूँ, उनको गाइड करती हूँ कि अगर आप, मतलब सिलेक्शन सभी को कोचिंग देती है, लेकिन संस्कार के साथ सिलेक्शन पढ़ाई जो दे, एक जो कोचिंग देती है वो सीएलसी और सिर्फ सीएलसी देती है। जय सीएलसी। थैंक यू। बिल्कुल, ये मेरी बहन है, थोड़ी भावुक ज़्यादा हो गई, इतना हो जाता है कई बार, अपनी बहन को जो भाई की बात करनी होती है तो खूब मन से कह देते हैं। मैं एक बात अपील जरूर करना चाहूँगा लाइव देखने वालों को कि आप सिक्स क्लास से बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ाना होता आप लोगों को। हम कहते हैं सिक्स क्लास से बच्चे हमें सौंप दो आप। मेरा खुद का अपना RBSC स्कूल है, CBSE स्कूल है, खुद के हॉस्टल्स हैं। 30 क्लास से आप बच्चे भेजोगे तो 12th तक आते हो 7 साल मेरे साथ रहेगा। मैं ये नहीं कहता सब IIT बन जाएंगे, सब NIT चले जाएंगे, सब डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन वो कुछ ना कुछ अच्छे सीख के आएंगे। इतने तो हम जिंदगी, हमने पूरी जिंदगी दे रखी है, पूरी जिंदगी हमने एक संस्था के नाम कर रखी है। तो ये देखो एक विचार है पेरेंट्स के।